सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 4 मई 2021 मंगलवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बजरंग बली की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 4 मई 2021 दिन मंगलवार का है और महीना वैशाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक दोपहर 1:10 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 8:26 तक चलेगा और इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शुक्ल नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्रि के 8:21 तक चलेगा और इसके उपरांत ब्रह्म नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय ठीक शाम के 6:51 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 1:27 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक दोपहर 12:37 पर। सूर्य राशि मेष राशि पर रहेगा और चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा जो कि यह ठीक रात्रि के 8:44 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय। यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक रहेगा। और शुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह ठीक शाम के 3:37 से लेकर ठीक शाम के 5:15 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आज मैंने सीखा सफाई वहां देनी चाहिए जहां उससे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को उसकी नजरों में गिराना है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थरों के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसा ही होती है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें महसूस करा ही दे कि हम वाकई में अंधे थे। चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राशिफल की। आज का दिन सृजनात्मक परिवर्ती के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हम आपको बताना चाहेंगे आपके हुनर और कार्यों दोनों की प्रशंसा होगी। बस आपको ध्यान रखना है अपने कार्यों के लिए धन प्राप्ति की संभावना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अच्छा है और परीक्षा से डरने के स्थान पर उसका सामना करना बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी है। हम आपको बताना चाहेंगे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। निश्चित रहे देर रात तक न जगें। कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है।
अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आज आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे, आज अपने साथी को लाड प्यार करने का दिन है। आपको ध्यान रखना है, आप अपने साथी को लंबी शेयर या खरीदारी पर लेकर जाएं, एक साथ शाम का खाना खाएं, अपने साथी को बधाई दें। हम आपको बताना चाहेंगे, आप वही ताजगी और श्रृंगार अपने जीवन साथी में देखेंगे। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली सच्चे मन से जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।